सो गाइस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने बुक कर दिया अपना नया ट्रैपॉड। जैसे कि ऊपर देख सकते हो, कोडक T210 3-way pan movement। तो ये है मेरा मेन ट्रैपॉड विच इज़ प्रिफर्ड फॉर यूट्यूब वीडियोज। एंड जो नीचे वाला ट्रैपॉड है, स्मॉल ट्रैपॉड मिनी ट्रैपॉड, विच इज़ द डिजिटेक DTR 200 पोर्टेबल एंड फ्लेक्सीबल मिनी ट्रैपॉड विथ 360 डिग्री बॉल हेड मूवमेंट। तो ये प्रिफर्ड है ब्लॉगिंग के लिए, तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया। एंड इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिखा रहा है सैटरडे, यानी कि 5th of June। तो हमें एक हफ्ता करना पड़ेगा वेट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इट्स 7:30 इन द इवनिंग एंड अभी काफ़ी बारिश हुई, लिटरली बहुत तेज बारिश हुई, 2 घंटे से बारिश हो जा रही है। एंड उससे पहले काफ़ी भयंकर वाला आंधी तूफान आया था, तो पूरे घर में धूल धूल हो चुकी है। एंड वन सरप्राइज, लुक व्हाट यू गॉट टुडे, हमारा फाइनली जो मेरी ट्रैपॉड था विच इज़ द डिजिटेक DTR 200, वो आज आ चुका है, उसकी डिलीवरी आज हो चुकी थी फ्लिपकार्ट के द्वारा। एंड इसको हम करेंगे अनबॉक्स। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लिप में देखा, तो मैंने 2 ट्रैपॉड मंगाए थे, पहले तो कोडक का YouTube वीडियोस के लिए एंड मेरा मिनी ट्रैपॉड फॉर ब्लॉगिंग पर्पस। तो जो मिनी ट्रैपॉड था वो आ चुका है। एंड गाइस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो दोनों ट्रैपॉड्स हैं मैंने अपने YouTube इनकम से मंगाए। एंड लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि इन दोनों ट्रैपॉड्स का कलेक्टिव अमाउंट मिलाकर कितना हुआ। तो लास्ट वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको अपने खुद लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मैंने कितने रेवेन्यू जनरेट किया यूट्यूब से एंड कैसे क्या क्या सब मैंने खर्चा किया है इन ट्रैपॉड्स पे। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी मजा आने वाला है। तब तक के लिए मेरी ट्रैपॉड को करते हैं हम लोग अनबॉक्स। सो गाइस, एज यू कैन सी, हमने कर लिया है पैकेजिंग को पूरी तरह अनबॉक्स। एंड उसमें से निकले ये 3 कंपोनेंट। उसमें से पहला जो है वो है हमारी मेन पैकेजिंग विच इज द डिजिटेक पोर्टेबल मिनी ट्रैपॉड पैकेजिंग। जो सेकंड चीज़ है वो है हमारा मोबाइल होल्डर जो कि ट्रैपॉड का माउंट होगा। एंड तीसरा है हमारा मेन ट्रैपॉड मिनी ट्रैपॉड विच इज द डिजिटेक DTR 200 विथ 3 leg base। सो गाइस, अगर ट्रैपॉड की मैं कुछ बेसिक लुक्स की बात करूं, तो ये जो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है काफी सूट कर रहा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, मतलब है तो ये पूरा प्लास्टिक। एंड इसके ऊपर जो ये वाला बॉल हेड है, इसके ऊपर जो ये है इसका मेटल मोस्ट प्रोबेबली एल्यूमिनियम है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। नीचे प्लास्टिक एंड ऊपर एल्यूमिनियम का बॉल हेड है जो कि 360 डिग्री आप मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है एंड मैं काफी इंप्रेस हुआ कि इस प्राइस रेंज में, मतलब 500 का ये है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा मिनी ट्रैपॉड देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करूँ मैं इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके मेन पैकेज पे लिखी है, तो पहला है बॉल हेड विद 1/4 इंच स्क्रू कनेक्टर। तो ये है इसका बॉल हेड ऊपर, जिसमें आप यहाँ कैरी कर सकते हो, मतलब माउंट कर सकते हो अपना मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा। ऑल्दो ये मैक्सिमम लोड इसका है 1 kg। जो सेकंड स्पेसिफिकेशन है वो है पुश बटन विद 5 सेगमेंट। तो ये जो आप पुश बटन देख रहे हो ये एक्सटेंडेबल हैं एंड इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो 5 सेगमेंट तक ये जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ कट्स लगे हैं एंड ये काफ़ी टैक्टाइल है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको यूज़ करने में काफ़ी इन हैंड फील इसकी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। तो 2 सेक्शन है इसमें, यानी कि एक्सटेंडेबल है। अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूँ तो एक है एंटी स्किड रबर फीट जो कि आप नीचे देख सकते हो, इसमें मतलब एंटी स्किड रबर फीट है। तो ये मतलब किसी भी सरफेस पर आप रखो स्लिप नहीं होगा बिल्कुल भी, तो ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो लास्ट है वो है 3 leg base जो कि ऑब्वियस है ट्रैपॉड में होंगी। तो ये सब थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। सो गाइस, द डेट टुडे इज 5th of June एंड अभी बज रहा है शाम के 6। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारा जो कोडक वाला मेन ट्रैपॉड था T210 वो डिलीवर हो चुका है। एंड ये आज 11-12 बजे डिलीवर हो गया था दिन में, बट हमने उसे बाहर रखा हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस। एंड दिस इज आर न्यू कोडक वाला ट्रैपॉड एंड लिटरली मतलब ये बहुत ज़्यादा भारी है, इट्स अबाउट 1 to 2 kg एंड ये बहुत बड़ा भी है, मतलब आप पता नहीं कैमरे में पता लग रहा है लग रहा है, लेकिन ये इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो इसको करेंगे हम शाम को अनबॉक्स, बिकॉज अभी पता रखा है मुझे मम्मी ने कुछ काम हुई है कि सोसाइटी वाली शॉप से लानी है हमें सोया सॉस। तो चलते हैं अभी सोसाइटी वाली शॉप पे सोया सॉस लेने एंड फिर शाम को करेंगे इसको अनबॉक्स। सो गाइस, बैक फ्रॉम द शॉप एंड थोड़ा बिजी हो गया था, काम वाम करने लगा था, उसके बाद डिनर विनर कर लिया एंड अभी हो गई है काफ़ी ज़्यादा रात, बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 12:30 रात के सुबह के, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। एंड अब हमको करना है फाइनली हमारे बड़े वाले कोडक T210 ट्रैपॉड की अनबॉक्सिंग। तो ये है वो ट्रैपॉड, काफ़ी बड़ा है लिटरली, इसको अनबॉक्सिंग करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है।
तो इसे देखकर ही मन नहीं करा अनबॉक्स करने का। अभी सैनिटाइज किया था तो पूरी आधी मतलब बॉटल ही खर्च हो गई सैनिटाइज करने में, पूरी मतलब काफ़ी टाइम लग गया इस पूरे को सैनिटाइज करने में। अब करते हैं इसको अनबॉक्स, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो गाइस एज यू कैन सी हमने कर लिया ट्रैपर को पूरी तरह अनबॉक्स एंड काफ़ी टाइम लग गया लिटरली उसको पूरा अनबॉक्स करने में। एंड ये सब चीज़ें उसमें से निकली हैं। पहला तो ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका प्रॉपर ये पैकेजिंग, ये उसका पाउच कैरी बैग, क्योंकि वो काफ़ी हैवी एंड काफ़ी बड़ा भी है। एंड इसके अंदर वो आया था इस कार्डबोर्ड के अंदर। एंड ये है उसका मोबाइल फ़ोन होल्डर जो कि ट्रैपर माउंट के ऊपर लगेगा। एंड ये पॉली पैकिंग। एंड गाइज ये है हमारा फाइनली कोडा का T210 ट्राइपॉड जो कि है काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी हैवी। लिटरली इसका वेट है अप्रॉक्स 1-2 किलो के आसपास, काफ़ी ज़्यादा भारी है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। अभी कैमरा में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये सच में काफ़ी बड़ा है, तो ये एकदम प्रोफेशनल ट्राइपॉड है। सो गाइज अगर मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो वो ये कि इसमें जो 3 लेग्स हैं वो एक्सटेंडेबल है अप टू 3 सेक्शंस एंड 3-वे पैन मूवमेंट है ऊपर, जिसके ऊपर आप फोन कैमरा जो भी माउंट कर सकते हो, फोन भी अच्छे से माउंट हो जाएगा एंड कैमरा भी, बिकॉज इसका जो मैक्सिमम लोड वेट है वो है 3.5 kg। इसे साफ पता लग रहा है कि आप चाहे DSLR माउंट करो, चाहे मिररलेस माउंट करो या फिर अपना फोन का कैमरा माउंट करो, सब ये वेट झेल लेगा। एंड इसका जो हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 फीट, तो 5 फुट तक इसकी हाइट है, 5 फीट तो काफ़ी अच्छी हाइट है। एंड काफ़ी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो मोस्टली इसी हाइट में बनती हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका मतलब रेशो है। एंड इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा हैवी ज़रूर है, बट उसके लिए उन्होंने कैरी बैग दे रखा है, ये अच्छी बात करी। एंड पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, तो फ्लिपकार्ट से काफ़ी अच्छी हमारी डिलीवरी आ गई दोनों की। अब मैं आपको तीनों लेग्स इसके एक्सटेंड करके दिखाता हूँ कि मैक्सिमम हाइट मतलब कितनी जाएगी। तो करते हैं लेग्स को तीनों के ट्राइपॉड के एक्सटेंड। सो गाइज अनबॉक्सिंग वगैरह तो दोनों ट्राइपॉड की हो गई कंप्लीट एंड अभी बच गया है, काफ़ी थक गया हूँ मैं वीडियो बनाते बनाते। एंड अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट पे, विच इज़ द रेवेन्यू वाला पार्ट एंड दोनों ट्राइपॉड मिला के कितना अमाउंट का बैठा। नीचे लिंक भी दे रखा है, आप लोगों को खरीदना तो जाए खरीद लेना। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड यू ऑल विल लव दैट, आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है वो, तो वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी लास्ट में सुन के जाना। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने रेवेन्यू वाले पार्ट की तरफ। सो गाइज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो मेरा मेन ट्राइपॉड था विच इज़ द कोडक T210 वो था अप्रॉक्सीमेटली 1444 रुपीज़ का। एंड जो मेरा डिजिटेक DTR 200 मिनी ट्राइपॉड था उसका प्राइस था 500 रुपीज़। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ कैलकुलेटर में तो पहले देखते हैं कितना अमाउंट बैठा है इन दोनों का। तो 1444 + 499, तो दिस सम्स अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1943 रुपीज़। तो 1943 तो इन दोनों ट्राइपॉड का कलेक्टिव अमाउंट था। अब देखते हैं हमारा कुछ रेवेन्यू वाला पार्ट जो कि यूट्यूब से जनरेट हुआ है। तो यूट्यूब से जनरेट हुआ है हमारी इनकम जो कि है अभी तक $27.2। तो मैं चेक करता हूँ अभी करंट डॉलर रेट, तो ये दिखा रहा है 73.515 इंडियन रुपी करंट डॉलर रेट जो चल रहा है। तो मैं देखता हूँ ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ, तो खोलते हैं हम लोग अपना कैलकुलेटर। सो गाइज ये है कैलकुलेटर एंड इसमें मैं डालता हूँ हमारी इनकम विच इज 27.2 डॉलर एंड जो करंट रेट चल रहा है वो है 73.15। सो गाइज दिस सम्स अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1990। तो इसका मतलब अच्छे से हमारे ट्रैपर दोनों में आ गए थे एंड इसी यूट्यूब की रेवेन्यू की वजह से मैंने अपने दोनों ट्राइपॉड खरीद लिए थे। एंड काफ़ी अच्छी अब वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों के लिए, प्लान्ड हैं, दोनों ट्राइपॉड काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, काफ़ी इन एंड फील भी काफ़ी अच्छी है। एंड सो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इस तरह की मतलब ब्लॉगिंग वीडियोज, इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग वीडियो में लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए एंड जेई नीट वालों के लिए भी एजुकेशनल कंटेंट और मोटिवेशनल कंटेंट में लाता रहता हूँ। एंड IITs के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, IIT दिल्ली के रिगार्डिंग जो कि मेरा कॉलेज है। एंड जो कि वो स्पेशल अनाउंसमेंट थी वो ये कि अब मैं प्लान कर रहा हूँ IIT दिल्ली कॉलेज रिव्यू। तो अगर आप लोगों को IIT दिल्ली में कॉलेज रिव्यू चाहिए तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड जब 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यानी कि 3000 सब्सक्राइबर्स मेरा IIT दिल्ली का कॉलेज रिव्यू रिलीज हो जाएगा चैनल पे। एंड काफ़ी अच्छा कॉलेज रिव्यू बनाया, लिटरली बहुत अच्छा है, A to Z उसमें सब डिस्कस किया है कॉलेज के बारे में। मतलब पार्ट वाइज है वो पूरा कॉलेज रिव्यू, जिसमें स्टार्टिंग में एजुकेशन, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट लाइफ एंड कैंपस एक्सपीरियंस, हॉस्टल लाइफ,
सारी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है, क्लब एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम, मतलब सारी पूरा कंप्लीट कॉलेज रिव्यू है, फ्रॉम एजुकेशन से लेके कैंपस एक्सपीरियंस तक, हॉस्टल से लेके क्लब्स एंड एक्टिविटीज तक, ए टू जेड सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो अगर आपको कॉलेज रिव्यू चाहिए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। 3000 सब्सक्राइबर्स का एम है हमारा चैनल का, एंड जैसे 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कंप्लीट, मेरा कॉलेज रिव्यू आईआईटी दिल्ली का हो जाएगा चैनल पर रिलीज। तो वेट किसी बात का नहीं, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल जरूर जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाता हूँ, एवरी वीडियो आती है, मतलब एवरी वीक आती है वीडियो, थर्सडे को रोज शाम को। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।